बच्चे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस कर ली थी, उसके क्वेश्चंस बताओ बच्चे। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कोई डाउट नहीं है, 6 to 12 के बीच में 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखो बच्चे अपने पास है क्या, यहां पर जो अपने पास 12th क्वेश्चन गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। अ डाई इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। क्या बोला गया, एक डाइस है उसे हमने 3 बार उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर कम से कम 1 बार ऑड नंबर आ जाए, कैसे निकाले। क्या करा है, एक डाइस है उसको हमने जब उछाला है तो 3 बार उछाला है। देखो मैं इसके सैंपल स्पेस नहीं बना रहा हूं, है ना, 6 की पावर 3 आएगा तो तुम्हें पता है लंबा चौड़ा बनेगा, 216 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अपने पास मेन कहानी क्या आ रही है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बोला है एटलीस्ट वन ऑड नंबर, है ना, एटलीस्ट एन ऑड नंबर, मतलब क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम 1 बार तो ऑड है। हम क्या करते हैं, 0 ऑड का एक केस लेके 1 में से माइनस करते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 ऑड, ज्यादा से ज्यादा चाहे 3 ऑड हो जाए। तो मैं सिर्फ वो केस हटा देता हूं जब 1 भी ऑड नहीं है। एक बात देखो, यहां पर जब हमने उसे पहला टॉस किया तो हमारे पास ऑड ना आने के चांसेस, या सिंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन क्या होगा, 246, 246 मतलब 3/6, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, फिर 3/6, फिर 3/6, दैट मींस 1/8 बना कि नहीं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 नंबर्स, ऑल द 3 आउटपुट एज इवन नंबर। इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर देता हूं तो मैंने वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी है जब तीनों इवन थे। अगर तीनों इवन नहीं थे तो कोई ना कोई तो ऑड था, चाहे वो 1 ऑड था, चाहे वो 2 ऑड थे, चाहे वो 3 ऑड थे। समझ में आई ये बात। हमने क्या किया, हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 आउटपुट्स एज ऑफ ऑड इवन नंबर, और हमें निकालना था एटलीस्ट 1 ऑड। एटलीस्ट 1 ऑड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 1 ऑड, ज्यादा से ज्यादा चाहे सारे ऑड हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऑल इवन को टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 में से माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/8 वो केस आ गया जिसमें कम से कम कोई 1 तो ऑड था ही था। क्लियर है, ये बात समझ में आई है। जबरदस्ती फॉर्मूला लगाने नहीं भागना है, यहां फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ करना है, सीधा बेसिक तरीके से निकल रहा है ये। देन आंसर, हाँ हमने बस वो वाला केस हटा दिया जहां पे तीनों इवन थे। अगर तीनों इवन नहीं है तो यानी कि कोई ना कोई तो ऑड है, चाहे पहला है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे 2 है या 3 है, वो वाला से हमारे पास एटलीस्ट के केस के लिए बेस्ट हुए रहते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट बताओ बच्चा, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन 14। आंसर चेक कर लिए, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved and exactly one of them solve the problem. Question में क्या बोला गया बच्चा, कि यहां पर बोला है कि एक कोई problem है उसको solve करने की individual probabilities, individually, independently solve करने की probability 1/2 और 1/3 है। क्या अगर वो दोनों इकट्ठे try करते हैं, if both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved. कैसे निकालें? हाँ जी, intersection निकाल लें। अब हमारे पास independent event के लिए formula क्या था? क्या formula था बच्चा? P of A into P of B is equal to P of A intersection B. यही formula था independent events के लिए, है ना, हमने ऐसे ही कहा था। हमने क्या डिस्कस किया था जब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी, दैट इफ पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ इनटू पी एंड पी ऑफ एफ, देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सिंस इट इज गिवन दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकली, 1/2 into 1/3, कितना निकल गया बच्चा, 1/6। हाँ जी, किसी को दिक्कत, ये क्या निकल गई है, दोनों के इकट्ठा मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। अब इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यही बना।
हमारे पास यहाँ गिवन है प्रॉब्लम इज सॉल्व. मैंने सिंपल क्या किया, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है यहाँ पे, यहां पर उसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम को ए ने भी सॉल्व कर दिया और बी ने भी सॉल्व कर दिया. हमें इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत कहां थी, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व. प्रॉब्लम तो तब भी सॉल्व हो जाएगी जब बी ना सॉल्व कर पाए और ए सॉल्व कर दे, और प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगी जब ए सॉल्व कर दे और बी ना कर पाए. ऐसे ही रहेगा ना, उल्टा रहेगा, ए सॉल्व कर दे बी ना कर पाए तब भी सॉल्व है, बी सॉल्व कर दे ये ना कर पाए तब भी सॉल्व है, या दोनों सॉल्व कर दे. उस चीज को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं कि नहीं. यूनियन का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट मिला जुला के उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों ने सॉल्व करी है. तो अगर मैं, हमने क्या निकाला इंटरसेक्शन, इफ वी हैव टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के देखो जरा. पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बचा, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6. एलसीएम लो जरा, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 3 + 2 - 1, ऐसे ही बन रहा है, कितना बन रहा है ये, हाँ जी ठीक है ऐसे ही बन रहा है, ये कितना बन गया, 3 + 2 - 5 - 1 - 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3. समझ में आई ये बात. तुम सीधा सीधा, मैंने अभी इस पिछले क्वेश्चन में ही बोला था, सिर्फ फॉर्मूला डालने मत भागना. अगर सिर्फ फॉर्मूला डालने भागोगे मतलब नहीं पकड़ में आएगा तो क्या ही सॉल्व करेंगे. यहां पे हमने इंडिपेंडेंट को यूज इसलिए किया था क्योंकि मुझे यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए थी. इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि सीधा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी किया और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई. इंटरसेक्शन का मतलब तो क्या हुआ कि दोनों ने इकट्ठे सॉल्व किया. वहां क्वेश्चन में स्पेशली बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये नहीं बोला दैट बोथ सॉल्व्स द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. Exactly one of them solve the problem. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ एक बंदा सॉल्व कर रहा है. एक बंदा सॉल्व करने का मतलब हमारे पास क्या आया कि अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12th कर रहे हैं ना, 14th सॉरी. देखो क्वेश्चन नंबर 14th में जब बोला एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के हिसाब से डिस्कस करना चाहूं तो सीधा सीधा हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम में सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही आ रहा है बच्चा, सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला, इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, यही होना चाहिए ना, किसी को दिक्कत. तो पूरे अगर ये ए था ये बी था, अगर मेरे को सिर्फ ए के उस वाले पार्ट में इंटरेस्ट है जहां सिर्फ वही सॉल्व कर पा रहा है और बी वाला पार्ट मिसिंग है, सिर्फ इतने पार्ट को मैं कैसे निकालूं, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूं कि नहीं. और ऐसे ही अगर मुझे सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू से लेना देना है तो इस वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, बी वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूं और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, हुआ कि नहीं. ये वाली जो वैल्यू है वो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं, किसी को दिक्कत इसमें. और ये वाली वैल्यू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, है कि नहीं. एक तो सीधा सीधा तरीका है, मैं क्या करता हूं इनको इंडिविजुअली निकालता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, करके देखो जरा. पी ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 - 1/6, और इसकी वैल्यू क्या थी, 1/3 - 1/6, दोनों को प्लस कर देंगे, क्या निकल रहा है देखो जरा, 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, क्या आया, 3 - 1 दैट इज 2/6 - 1/3, और इसके लिए सॉल्व किया तो क्या आया, 6 एलसीएम आया, 2 - 1 - 1/6 आया कि नहीं. तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम वाला केस कितना निकला, इसमें आ गया 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये कितना निकला है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 + 1 - 3/6 - 1/2. आंसर देखना क्या आंसर सेकेंड पार्ट का, 1/2 है. लॉजिक समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है. या मेरे पास एक मेथड क्या था, मैं ये लगा लूं ए सॉल्व करे बी ना करे, मैं इस तरीके से कर सकता था कि ए ने सॉल्व किया बी ने नहीं किया, प्लस बी ने सॉल्व किया ए ने नहीं किया,
अब मैं बी नॉट और ए नॉट कैसे निकालूंगा? बी नॉट का मतलब क्या होता है? बी नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ कि नहीं, ऐसे ही हुआ। ए नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ कि नहीं। या तो मैं इस तरीके से कर लूं, या जो सीधा सीधा मैंने वेन डायग्राम के थ्रू समझ के जो फॉर्मूला लगा दिया सीधा उससे कर दिया। किसी को परेशानी? कंसेप्ट समझ में आया ना बच्चा? नेक्स्ट बताओ, 15th का थर्ड। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब ई और एफ इंडिपेंडेंट किस किस केस में है बच्चा? थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट बोल रहे हो? और किसी में तो डाउट नहीं है? फर्स्ट और सेकंड में किसी का? देखो थर्ड पार्ट में क्या, द कार्ड इज किंग और क्वीन, द कार्ड इज किंग और क्वीन। एक बात बताओ बच्चा, किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? किंग कितने है? चार। क्वीन कितने है? चार। टोटल हो गए 8, और है तो मतलब जो मर्जी निकल जाए। यूनियन क्यों लेना है? तो देखो हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास टोटल कितना हो गया, अरे टोटल कार्ड्स तो 52, किंग और क्वीन टोटल मिला के 8 कार्ड्स हो गए, तो 8 बाय किंग और क्वीन 8/52 ना ले लूं मैं। अच्छा, टोटल सोच के देखो ना, हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कौन सा है? चाहे किंग आ जाए वो भी फेवरेबल है, क्वीन आ जाए वो भी फेवरेबल है, तो 8/52 हुआ, हुआ कि नहीं? और फिर बोला है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और अ जैक, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, इसकी भी 8/52 आएगी, है ना? तो 8/52 × 8/52। अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालो। इंटरसेक्शन क्या है? दोनों में क्वीन है ना, 4/52। क्या ये इक्वल आ रहा है? 8/52 × 8/52 इज इक्वल टू 4/52 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, साफ पता चल रहा है 8/64 × 52 करके किसी भी तरीके से हम 4/52 तक तो नहीं पहुंच रहे, तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन देखो उसमें यही लिखा है, लास्ट में उन्होंने सिर्फ बताया है ना, इन्होंने बोला हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो थर्ड केस में तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। आंसर में देखना यही लिखा है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, पहले सिर्फ पहला है ना, थर्ड वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, थर्ड वाला तो डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एक दूसरे के प्रोबेबिलिटीज के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। सॉर्टेड है बच्चा? नेक्स्ट बताओ, 16th क्वेश्चन। इन अ होस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। क्या बोला है बच्चा? हॉस्टल में 60% बच्चे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 40% इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम। क्या बोला है? 60% हिंदी पढ़ रहे हैं, 40% इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 20% दोनों पढ़ रहे हैं। तो दोनों पढ़ने का मतलब यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन हुआ बेटा। Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. क्या हुआ? एक बच्चा रेंडम सेलेक्टली किया, सेलेक्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई न्यूज पेपर नहीं पढ़ रही है? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा, सिक्स यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, क्यों? कोई भी न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे ना बच्चा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर। 20% वाले को पीजी, हाँ वो ले लो, पर उसका फायदा क्या? वो तो इंटरसेक्शन है ना, है ना, अपने लिए टफ क्यों बनाना है? और ये देखो, यहां ध्यान दो, ये हमारे पास क्या बोला है बच्चे? ये अपने पास आर्यन, बस बच्चे इधर ध्यान दो, ये हमारे पास पास कौन से है? हिंदी न्यूज़पेपर। ये हमारे पास कौन है? इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले। अब एक चीज पे ध्यान देना जरा, इसको ना मैं वेन डायग्राम से अगर तुम्हें समझाऊं तो सीधा आंसर आ रहा है। देखो जरा, ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितने गिवन है? 20, क्योंकि 20% ऐसे लोग थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे थे, तो ये 20 आ गया। हिंदी कितने लोग पढ़ रहे थे? 60%, तो 20% तो उस 60 के अंदर ही आ गए, तो ये कौन से हिंदी वाले, सिर्फ हिंदी वाले कौन बच गए? 40%। इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे थे? 40%, तो 20% तो यही आ गए, तो यहां क्या बच गया? 20%। अब इन टोटल सम करना है इसका, 40 + 20 + 20 80 हुआ, टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100, तो रिमेनिंग 20 कहां होगा? कहीं बाहर। यानी कि ये 20% वो लोग हैं
जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। हमें बोला भी है ये क्वेश्चन में कि अ पर्सन इज सिलेक्टेड रेंडम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब क्या करना है, यूनियन को वन में से माइनस करना है। अगर हम वैसे इसको फॉर्मुला वाइज बात करें तो सीधा सीधा क्या करना है मुझे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। जो आंसर निकलेगा वो सेम निकलेगा हमारे पास जो 20 आएगा। क्लियर है, वेन डायग्राम से वो डायरेक्टली दिख रहा है अपने पास। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमारा तो वेन डायग्राम अपने आप ही सॉल्व करके दे रहा है चीजों को। क्लियर है बच्चा, आंसर देखना 20 है, क्रॉस चेक करते रहना साथ में, ठीक है। हाँ, 1/5 वो इसलिए आ गया ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है 20/100, टोटल 100 थे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, ठीक है। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की पहले यूनियन की वैल्यू निकाल लूं तो कितना निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी 60/100, इंग्लिश 40/100 माइनस 20/100। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये हो गया कि नहीं, इसको सॉल्व करना बेटा, कितना बन रहा है ये सॉल्व करो, ये 6 × 4 = 10 में से 2 / 8/10 ऐसा बन गया, 8/10 बन गया। 1 में से माइनस करना है तो हमारे पास 1 - p(h) = 2/10 विच इज 1/5। आई बात समझ में, तो 20% है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो भी वो 1/5 ही आएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट बताओ बच्चा, 16 के बाद और कोई डाउट है किसी का? डन, चलो इसी के कौन सा बच्चा 16 के, और तुम बताओ डाउट्स हैं तो, और 16 के दो बाकी पार्ट्स में भी है, किसी का डाउट है बच्चा 16 के और किसी पार्ट में? किसी का भी नहीं है, चलो 17th क्वेश्चन देखो बच्चा। द प्रोबेबिलिटी, बच्चे क्वेश्चन पूछते हो ना हेजिटेट मत करो, जिसका भी है पूछते चलो, कराता चलता हूं मैं। देखो 17th क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन अ डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2, इकलौता है प्राइम नंबर है, इवन है अपने पास, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितने निकलेंगे। अगर 2 डाइस फेंके हैं मैंने तो 2 डाइस फेंके हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 36 आएंगे, और 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ एक ही केस है वो, तो 1/36 सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1/36 है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चे, इन्होंने क्या बोला है, ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो दोनों पे 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, अगर दोनों पे 2, 2 आ गया है तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 2, 2 आने की, 1/36। ओके देखो बच्चे, इसके बाद अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो है बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम देखो, ये है कि प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अलग नहीं था या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ है, लेकिन मेरा मानना क्या ना, अपने आप में जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है ना वो बेस थ्योरम से समझ में आती है, और एक्चुअल मीनिंग भी बेस थ्योरम बहुत अच्छे से समझाता है। बेस थ्योरम करता क्या है, देखो बेस थ्योरम का एग्जैक्टली अगर हम फॉर्मूला की बात करें ना, तो सीधा सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो यहां पे अपने पास, यहां पर बेस थ्योरम के अंदर क्या है बच्चा, अपने पास था पी ऑफ ई आई बाई ए, इसका मतलब क्या हुआ, ई आई के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी हो चुका था। फॉर्मूला क्या है, पहले पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ जे गोज टू 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाई ई जे। अब हाँ जी, इस फॉर्मूला से तो किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना, फॉर्मूला से देखो जरा, इस फॉर्मूला से किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा बच्चा। हम एक बार एक जनरल सा क्वेश्चन बनाते हैं, बनाना क्या, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, यहीं से शुरू करेंगे और यहां बेस थ्योरम लगानी शुरू करेंगे। और मैंने क्यों बोला ये कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम के थ्रू हमें समझ में आएगी, तो देखो एक सिंपल एग्जाम्पल है जो इस क्वेश्चन के अंदर, अ बैग कंटेन्स 3 red and 4 black, एक बैग है, क्या क्या उसके अंदर, 3 लाल बॉल है और 4 काली बॉल्स है, एंड एनदर बैग 2 contains 5 red and 6 black balls, ये भी बहुत बढ़िया। वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। वापस से क्वेश्चन समझते हैं,
यहां पर मैंने कोई दो बैग रख दिए, एक बैग के अंदर थ्री रेड और फोर ब्लैक बॉल्स डाली है, दूसरे बैग के अंदर फाइव रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल डाली। अब मैंने एक बच्चा बाहर से बुलाया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, मैंने कहा बच्चे रेंडम जाओ किसी एक बैग में से बॉल उठा लो। अब उसे नहीं पता बैग वन कौन सा बैग टू कौन सा, उसने हाथ डाला बॉल निकाली और बाहर गया, पट्टी खोली, उसने देखा रेड कलर की बॉल है, दोनों बैग्स के अंदर रेड और ब्लैक कलर की बॉल से उसने क्या करा रेड कलर की बॉल उसको मिल गई। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से निकली होगी? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी का बेस्ट पार्ट है। अब प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला, एक सीधा सा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। अब यहां पर फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है कि सेकंड बैग सेलेक्ट हो और उसके बाद उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट हो, ये है कि नहीं। और टोटल कंडीशन क्या है? दोनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं सेकंड गिवन। देखो मेन हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या है, पहला दैट बैग सेकंड बैग हैज टू बी सेलेक्टेड, पहले तो यही होगा ना, पहले वो बच्चा आएगा आंखों पे पट्टी बांध के भी बैग, पहले बैग सेलेक्ट करेगा कोई। अब सेलेक्ट हो गया, अब उस बैग में से जब वो बैग सेलेक्ट हो चुका है तब उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल कंडीशन हुई कि नहीं? यही हुआ ना कि बच्चा आया, मैंने कहा भाई क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड में से निकाले, पहला फेवरेबल क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आके वो सेकंड बैग ही सेलेक्ट करे दोनों में से और फिर उसमें से हाथ डाल के जब बॉल निकाल रहा है तो रेड कलर की निकले, किसमें से? सेकंड बैग में से। टोटल कंडीशंस क्या है? टोटल कंडीशंस है कि वो आया और उसने बैग सेलेक्ट किया पहला और पहले बैग में से क्या निकाली? रेड बॉल। क्योंकि रेड बॉल तो हमें पता ही है कि निकली है, उसका तो कोई काउंटर है ही नहीं ना, तो ये टोटल कंडीशन क्या है कि पहला बैग निकला और रेड बॉल निकल गई, या फिर दूसरा बैग सेलेक्ट हुआ और दूसरे में से रेड बॉल निकाली। तो फिर ये बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। हाँ, बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, होगा ना, बिल्कुल होगा। अभी करते हैं, पहले ये बताओ ये फॉर्मूला इसमें किसी को परेशानी है? क्योंकि देखो मैंने सिग्मा की टर्म्स में अभी तुम्हें बेस थ्योरम का फॉर्मूला बताया था, दिखने में बहुत अटपटा था, है ना, समझ नहीं आ रहा कि उसका लॉजिक क्या है। अब उसमें बुक्स के अंदर उसे इंटरसेक्शन में भी लिखा हुआ है और बाय की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां आर बाय टू लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हमारे पास कि रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड बैग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। ये अभी समझाता हूं, अभी पता चल जाएगा, वही है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। देखो जरा, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर क्या गिवन है बच्चा? थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल। एक सेकेंड बैग है जिसके अंदर अपने पास क्या है बच्चा? फाइव रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल। ठीक है, अब बच्चा आता है बाहर से, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, उसने कोई एक बैग सेलेक्ट किया। पहली बात तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग? 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड बैग? 1/2। बहुत बढ़िया, यही हो सकता है, दोनों की बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है, इक्वली लाइकली बैग्स हैं, कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है। यश ध्यान दो, ठीक है ना। अब पहला बैग अगर उसने सेलेक्ट कर लिया है तो ये तो गिवन कंडीशन होगी ना कि उसने पहला बैग सेलेक्ट कर ही लिया। अब उसमें से रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं बार बार रेड पे क्यों अटक रहा हूं, ब्लैक पे क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में खुद गिवन है, जब उसने बाहर जाकर आंख से पट्टी खोली तो उसके हाथ में रेड बॉल थी, मतलब ये तो फिक्स है ना कि रेड ही निकली, ब्लैक तो निकली ही नहीं, तो हम ब्लैक का केस क्यों डिस्कस करेंगे? बात समझ में यार कि हम बात रेड की क्यों करें? क्योंकि ये गिवन कंडीशन है कि हमें हमारे पास रेड बॉल आ चुकी है, लेकिन वो रेड आने के लिए पहले अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ था उससे रेड निकलेगी, तो फर्स्ट बैग में रेड कितनी है? 3। टोटल कितनी हुई? 7। ये क्या है? गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। निकलेगी नहीं? ऐसे ही गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। कितनी है रेड यहां पे? 5/11। किसी को दिक्कत बचा? अब ये जो हमारे पास है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ सेकंड बॉल, सेकंड बैग, गिवन दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। यही बात कर रहे हैं कि नहीं? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग में से निकली है जब गिवन है कि वो रेड बॉल है? बात समझ में आ गई? तो
हमें निकालना है सेकंड बैग के आने की प्रोबेबिलिटी जब गिवन है कि वो रेड बैग है, रेड बॉल है। तो पहली बात फेवरेबल कंडीशन क्या थी भाई, जब वो बच्चा आया तो सबसे पहले वो बैग सेलेक्ट करे सेकंड वाला, और जब बैग सेलेक्ट हो चुका है तो उसमें से कंटिन्यूअसली सक्सेसिव इवेंट है ना, एक के बाद अगला इवेंट, कि पहले उसने बैग सेलेक्ट किया और उसके अंदर से हाथ डाला तो रेड कलर की बॉल निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉल सेकंड बैग अपॉन आता पहला बैग निकालता उसमें से रेड बॉल निकाल लेता, या आता सेकंड बैग निकालता सेलेक्ट करता और उसमें से रेड बॉल निकाल लेता। यही टोटल कंडीशन है, वैल्यूज डालो जरा। सेकंड बैग के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/11 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की 1/2, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/7 प्लस सेकंड बैग की 1/2 इंटू 5/11। सॉल्व करो इसे, आंसर निकल जाएगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत, कंसेप्ट समझ में आया है पक्का बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इंटरसेक्शन यही तो बात हुई बच्चा, ए बाई ई टू का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन एंड ए, जैसे मैं आर बाई टू लिख रहा हूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आर बाई टू का मतलब हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, तो रेड और सेकेंड का इंटरसेक्शन निकला कि नहीं, एक तरह से समझ में आई है बात। देखो हमारी बात सुनो, फॉर्मूला ही इस फॉर्म में लिख लो तुम, एक काम करो, ये जो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था यहां पे इंटरसेक्शन की जगह बाय लिख लो, ज्यादा चीजें आसान रहेंगी, एनसीईआरटी में भी बाय करके लिखा है ठीक है। हाँ ये वाला डायरेक्ट लगाना है जो मैंने अभी बताया, पता इसका फॉर्मूला फॉर्मूला तो खेलो ही मत ना इसके साथ, फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, अगर तुम फॉर्मूला फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं। हम क्या बात करें, हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, सीधा सा फेवरेबल अपॉन टोटल कंडीशन, सीधा एक फॉर्मूला जो अपना यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हम। तो इसमें तुम ये कहो कि नहीं मैं तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला डालूंगा, कहां डालोगे, क्यों ही परेशान होना है ना, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालने में परेशान होने से ज्यादा अच्छा कि डली तो इसी में वैल्यूज है, लेकिन समझ के करते हैं। सिग्मा बेसिकली सम के लिए हो गया ना, जैसे यहां पे क्या था, दो केसेस थे, पहला बैग दूसरा बैग, तो उसके नाम पे अगर मैं सिग्मा लगा देता हूं, मान लो चार होते पांच केसेस होते, तो एक बैग दो बैग तीन बैग चार बैग जितने केसेस होते वो डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन आ जाती, फेवरेबल एक के लिए आनी थी वो, ठीक है, एक के लिए दो के लिए जो भी गिवन कंडीशन होती, बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसी तरीके से करना, यही वे है बेस थ्योरम को अटेम्प्ट करने की। फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, डायरेक्ट ऐसे ये रहा, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन में जो बनेगा वो इस तरीके से फॉर्मूला बनाओगे, ई इवेंट डिफाइन करोगे, आर एफ डिफाइन करोगे, आर डिफाइन करोगे, मैंने यहां इवेंट्स के नाम नहीं रखे, मैंने वन और टू रखा है, वन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, वन मतलब सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का मतलब सिलेक्टिंग अ सेकंड बैग, वो तो तुम ई और एफ में रख लो, वो तुम्हारा अपना अपना तरीका होता है, क्लियर है ये, तीन आ जाएंगे हाँ प्लस थर्ड बैग आ जाएगा, ये समझ में आया। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18, मुझे लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर की बात है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हर बार प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन डलना चाहिए, कहानी बदल जाए इसमें कोविड नाम रख देंगे, एचआईवी की जगह कोई और नाम रख देंगे, टाइफाइड रख देंगे, डेंगू रख देंगे, फैला हुआ है उस हिसाब से कोई एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन बना लेंगे, या इसको किसी और प्रैक्टिकल फॉर्म में इस क्वेश्चन को ढाला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो अपने आप में बहुत अच्छा है, अगर इसको समझ जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा तुम्हें पकड़ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन देखो बच्चा, अपने पास यहां क्वेश्चन में बोला क्या गया, सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ एच आई वी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक एच आई वी टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी किस तरीके से है, ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एच आई वी पॉजिटिव बंदा आके भी टेस्ट कराता है, 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो 90% का तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन 10% का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, गलत रिपोर्ट आ जाएगी, समझ में आइए, ये हमारे पास क्या गिवन है, जो रिलायबिलिटी है वो 90% है कि जिसको एचआईवी है उसमें से 100 लोगों में से सिर्फ 90 लोगों का पॉजिटिव दिखाएगा, 10 का डिटेक्ट नहीं करेगा आगे, बट
10% गो अनडिटेक्टेड, ये ठीक है? हाँ जी, समझ नहीं आया क्वेश्चन, आ गया ना? ऑफ द पीपल फ्री ऑफ एच आई वी, अब क्या बात कर रहे हैं, जिन लोगों को एच आई वी नहीं है वो आके टेस्ट कराएंगे, अगर वो आके टेस्ट कराएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अगर वो आके उसको चेक कराने के लिए टेस्ट करा रहे हैं, तो क्या हुआ, 90% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एच आई वी नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड एज एच आई वी पॉजिटिव। क्या कहानी हुई बच्चे यहां पे, कि 99% लोगों का तो एच आई वी नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन 1% लोगों का जो रिपोर्ट आएगी, टेस्ट रिपोर्ट आएगी, वो गलत डिटेक्ट हो जाएगी। समझ में आई है? 100 लोग आए, उनको एच आई वी था, 100 के 100 ने टेस्ट कराया, तो 90 का पॉजिटिव आया, 10 का नेगेटिव आ गया, 10 की गलत रिपोर्ट। अब 100 हेल्दी लोग आते हैं, जिनको किसी को एच आई वी नहीं है, सब टेस्ट कराते हैं, 99 की रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि कोई किसी को एच आई वी नहीं है, लेकिन किसी एक के साथ गरीब मार हो जाती है, उसको एच आई वी नहीं है पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। समझ में आई है? ये एच आई वी के टेस्ट की रिलायबिलिटी का डेटा हमें गिवन है, ठीक है? फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव एच आई वी। क्या बोला गया बच्चा, कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% लोगों को ही एच आई वी है। मान लो कहीं किसी एक शहर की बात करते हैं, किसी कस्बे की, किसी जगह की बात कर रहे हैं, जहां पर उस पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% लोगों को ही एच आई वी है, वहां पे उस पूरी पॉपुलेशन में से एक रेंडम पर्सन सिलेक्ट किया जाता है एंड उसका एच आई वी टेस्ट होता है। द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज एच आई वी पॉजिटिव, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैव एच आई वी, एक्चुअली ही इज सफरिंग विद एच आई वी। उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नहीं, 100 अलग लोग हैं जो बिल्कुल ठीक थे। ये क्या बात करिए, टेस्ट की रिलायबिलिटी का डेटा हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? सारा नहीं है, मतलब ये देखो 90 की ठीक भी तो आ रही है, 90 लोग जिनको बीमारी है, कोविड में ऐसा ही था, है ना, कोविड काल के लोगों, तुम तो देखा हुआ है कोविड में क्या था, खांसी जुकाम हुआ, टेस्ट कराने गए, कोविड हो गया। एक बंदा बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, टेस्ट कराने का, कोविड नहीं है, वो बोल रहा है मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, जुकाम है, ठीक नहीं हो रहा हूं, और उसका कोविड फिर भी नेगेटिव आ रहा है। और कोई अच्छा वाला आदमी ऐसे ही बस गया टेस्ट कराने, उसका कोविड पॉजिटिव आ रहा था। तो मतलब टेस्ट के अंदर हर जगह पे ये है ही, माइनर सा जो अप एंड डाउन है उसके हिसाब से, कोविड में माइनर की जगह मेजर अप एंड डाउन लगते थे मुझे, लेकिन इस डेटा के हिसाब से हम अपने इस क्वेश्चन पे रहे, तो क्या बोला गया कि अगर 100 लोग टेस्ट कराने आते हैं, तो 100 लोग अगर 100 के 100 बीमार थे, ऑलरेडी हमें पता है कि 100 के 100 लोग कौन थे बच्चे, जो बीमार थे, जिनको एचआईवी था, उन एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% की रिपोर्ट तो ठीक आई है, लेकिन 10% की रिपोर्ट गलत आएगी, वो उनको एचआईवी पॉजिटिव था बट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभी वो तुम सोचो ना, सोचो एक बार पहले क्वेश्चन समझो तो फिर डिस्कस करते हैं, पहले एक बार अपने हिसाब से। अभी देखो मैंने क्या बोला, अभी जैसे बेस थ्योरम लगेगी, तो बेस थ्योरम लगाने के हिसाब से पहली बात तो ये समझें क्यों, कैसे सपना है कि बेस थ्योरम लगेगी। यहां पर क्या बोला, रिपोर्ट का लॉजिक समझ में आ गया, 100 लोग हैं जो हेल्दी हैं, जिसको किसी को एचआईवी नहीं है, लेकिन उसमें से भी कोई 1% लोगों की रिपोर्ट गलत आ सकती है कि उनको एचआईवी डिटेक्ट हो जाएगा। एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसके अंदर 0.1% को एचआईवी है, मतलब किसी 1000 में से किसी एक को है। मैंने उस पूरी पॉपुलेशन में से रेंडम कोई एक बंदा सिलेक्ट किया और हमने उसका कराया टेस्ट और उसका एचआईवी निकल गया पॉजिटिव, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे सच में एचआईवी था? अब कैसे पता लगे, पहली बात तो कि भाई ये बेस थ्योरम का है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, कहां से है? तभी मैं बोल रहा था फॉर्मुला फॉर्मुला नहीं खेलेंगे, लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। हमें नहीं पता ये क्वेश्चन किस में से है, हमें बोला क्या गया, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एच आई वी। मान लेते हैं ई इज द इवेंट कि बंदे को सच में एच आई वी है, ठीक है, प्रोवाइडेड उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। एफ क्या आ गया, उसकी रिपोर्ट, यही निकालना है हमें कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1000 लोगों में से
मतलब 1000 तो नहीं बोला, मतलब बोला कि लार्ज पॉपुलेशन में से जिसमें 0.1% लोगों को एचआईवी है, उस पॉपुलेशन में से एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है और उसका टेस्ट कराया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे सच में एचआईवी है। तो ये तो पता चल गया ना कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मैंने क्या मान लिया, एफ इज द इवेंट दैट टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ई इज द इवेंट दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एचआईवी। समझ में आई ये बात? अरे ऐसे किसने बोला 200 लोग होंगे, तुम्हें थोड़ी परसेंट है बेटा, वहां पे नंबर ऑफ पीपल नहीं है। पहली बात तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार कि 100 लोग आए टेस्ट कराया, तो 100 लोग थोड़ी है, परसेंट है वो, हजार लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं परसेंट के हिसाब से। तो समझाने के लिए मैं 100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो परसेंट के हिसाब से रिलेट ठीक होता है, समझ रहे हो? तो ये मत गिनो कि हाँ 200 ही लोग हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। पहले किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब सॉल्यूशन पे ध्यान दो, मान लेते हैं ई इवेंट है, पर्सन सिलेक्टेड इज एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव एंड ई डैश इवेंट है दैट एचआईवी इज नेगेटिव, ये बिल्कुल ठीक है। ई डैश क्या है कि उसको एचआईवी नहीं है। अब ए हमने मान लिया कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, ए क्या है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब हमें क्या निकालना है, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, ये गिवन कंडीशन होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव, ये निकालना है कि नहीं, किसी को इसमें दिक्कत है? अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन। फेवरेबल क्या, बंदा सिलेक्ट होता है, टेस्ट कराने जाता है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है ना, केसेस बनाते हैं पहले, बंदा सिलेक्ट होता है, टेस्ट कराने जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, बंदे को ऑलरेडी एचआईवी था, वो ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव था, वो टेस्ट कराने जाता है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, एक केस ये। दूसरा केस क्या था, बंदे को एचआईवी नहीं था पर वो टेस्ट कराने जाता है बट उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, नेक्स्ट केस ये था कि नहीं, यही था। फेवरेबल कंडीशन क्या थी, कि बंदा सेलेक्ट जो होता है पहले वही सेलेक्ट हो जिसको सच में एचआईवी है और फिर उसकी रिपोर्ट भी ठीक आए, ये बात बनी कि नहीं, यही है क्वेश्चन। फेवरेबल वही कंडीशन हुई ना, कि बंदे को सच में जो हमने सेलेक्ट किया उसे सच में एचआईवी है, फिर वो टेस्ट कराते तो रिपोर्ट भी ठीक आती है, वो ही ना फेवरेबल कंडीशन। तो कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे सच में एचआईवी है, तो फेवरेबल कंडीशन यही हुई ना, जो बंदा सेलेक्ट हुआ उसे एचआईवी है और उसकी जब टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट भी ठीक ही आई है, ये बात समझ में आई है शशांक भाई साहब? ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आया ये? तो देखो हमें निकालना है पी ऑफ ई बाय ए, बंदे को सच में एचआईवी है, एचआईवी पॉजिटिव, और अब एचआईवी पॉजिटिव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, ए क्या है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, गिवन दैट ही इज एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव, ये बात समझ में आई फेवरेबल। टोटल कंडीशन क्या, बंदा था उसको एचआईवी थी, एचआईवी और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, उसको एचआईवी नहीं है लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ये बात समझ में आई है? तो ये टोटल कंडीशन हो सकती है, इसके अंदर वैल्यूज डालो। समझ में आया बच्चे सबने, वैल्यूज डाल दी सब, सबको समझ में आ गया ये? शशांक पक्का? अब वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, टोटल कंडीशन निकालेंगे, फेवरेबल तो इसी में से आएगा। ई क्या है बच्चा, ई था कि पर्सन सिलेक्टेड इज एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव। अब कितने लोगों को एचआईवी है जिस जनता में से हमने उसे निकाला है, सिर्फ 0.1 किसी हजार में से एक है ना, 0.1 का मतलब यही हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली, 0.1%, दैट इज 0.1/100 व्हिच इज इक्वल टू 1/1000 और 0.001, ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं उसे सच में एचआईवी है। नेक्स्ट केस क्या था कि उसे एचआईवी नहीं है पर रिपोर्ट गलत आ गई होगी, तो जो नहीं है वो कौन है, 0.1 को माइनस कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज 1-0.001, दैट इज 0.999, ये वो लोग हैं जिनको एचआईवी नहीं है। अब केस क्या था, हमने पर्सन सेलेक्ट किया जिसको सच में एचआईवी है और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, मतलब ये कौन सा आया, ये तो अपना जो लैब टेस्ट की रिलायबिलिटी है उस पर बात चली गई। रिलायबिलिटी ने क्या कहा था कि अगर लोग टेस्ट कराते हैं
तो 90% का टेस्ट ठीक आएगा, मतलब जिनको एचआईवी है उनका एचआईवी डिटेक्ट होगा, ये 90% के केस में होने वाला है। तो अगर एचआईवी वाला ही बंदा आके टेस्ट करा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 90% डिटेक्ट होने की, है कि नहीं? तो 90/100 विच इज इक्वल टू 0.9। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का? अब उसको एचआईवी नहीं था फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आई, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी थी? 1%, है ना? यही था क्वेश्चन के अंदर कि अगर 10% को अनडिटेक्टेड के बाद, इफ अ पीपल फ्री फ्रॉम, इफ पीपल फ्री फ्रॉम एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एचआईवी नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव, मतलब 1% जिनको एचआईवी नहीं है उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो हमारे पास यही केस आ गया, ए बाई डैश का मतलब, ई डैश मतलब उसको एचआईवी नहीं है बट फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। तो हमने 1% की वैल्यू डाल दी, 1/100 विच इज इक्वल्स टू 0.01। किसी को परेशानी इसमें? ठीक है, पी ऑफ ई बाय ए चाहिए था अपने को, वैल्यूज डालते हैं, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ए बाय ई डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ए बाय ई प्लस पी ऑफ ई डैश इंटू पी ऑफ ई ए बाय ई डैश। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.083। ठीक है, क्लियर बात है बच्चे? क्वेश्चन समझ में आया है ये? पक्का? ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना और इसके बेस थ्योरम के डाउट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।